Assalamu alaikum dear students, today we are going to read the last chapter of our YouTube and the chapter is titled as Shivaji, it's the 15th chapter of your book and in this chapter we are going to read about Shivaji the Maratha ruler. We are going to read about his conquest, his relationship with Aurangzeb the Mughal ruler and about Shivaji. First coming to the introduction of Shivaji. शिवाजी व ब्रेव मराठा रूलर ही वॉज वेरी ब्रेव मराठा रूलर ही वॉज बॉर्न एट शिवनीरी नीयर पुणे इन सिक्सटीन हंड्रेड एंड ट्वेंटी सेवन सी ई हिज़ फादर्स वीजाबाई एंड शाहजी बॉन्सले तो मैं आपको बता दूँ बच्चों जो ये शिवाजी थे ये एक बहुत ही बहादुर मराठा रूलर थे इनकी पैदाइश हुई थी शिवनीरी ये एक जगह है पुणे के करीब का किस सेंचुरी में किस कॉमन एरा में 1627 में इसके पेरेंट्स का नाम था जीजाबाई एंड शाहजी भोंसले तो ये जो शिवाजी थे इनको बचपन से ही शौक़ था कि ये एक बहुत ही पावरफुल मराठा किंगडम बनाए एंड ही जो ये शिवाजी थे इन्होंने बहुत ही छोटी एज में जो है वो हॉर्स राइडिंग और आर्ट ऑफ वारफेयर्स मतलब जंग के बारे में उनने बहुत छोटी ही ऐज में सीखा कि ऐसे क्या करना है कैसे क्या, क्या नहीं करना है एट द वेरी यंग एज ही वॉज़ वेरी लिंक टूअर्ड्स दिस एम्पायर सिस्टम एंड ऑल जब बच्चों को खेलने का टाइम होता है ही वॉज बिजी इन हॉर्स राइडिंग एंड प्रैक्टिसिंग द वॉरफेयर सो नाउ कमिंग टू दमगेस्ट ऑफ शिवाजी शिवाजी जो है मैंने आपको ऊपर भी कहा कि ही ऑलवेज वॉन्टेड टू बिल्ड अ मराठा किंगडम तो इसने क्या काम किया ही गैदर्ड अ ग्रुप ऑफ यंग मैन एंड फॉर्म हिज ओन आर्मी तो उसने क्या काम किया उसने एक छोटी सी uh, ये ना गैदर किए ग्रुप्स ऑफ यंग मैन uh, आदमियों को अपने साथ गदर किया और एक छोटी आर्मी बनाई तो ये ज़्यादातर क्या काम करते थे ही ऑलवेज मोस्टली मतलब मोस्टली ये आप गुरीला मोड ऑफ़ वॉरफेयर यूज़ करते थे व्हाट डू यू मीन बाय गुरीला ग्रीला मोड ऑफ वॉरफेयर ये करते थे काम भी एनिमीज़ पे अटैक करते थे और फिर जल्दी से विद इन फ्रिक्शन ऑफ सेकेंड्स से जाते थे आप आ, 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 जो साइड में जंगल होते थे वहाँ चुप जाते थे ताकि जो एनिमीज़ है वो इनको फिर हार्म ना कर सकते इन इसी मतलब इसी uh, इसकी uh, वॉरफेयर इसी तरीके की वजह से इसने क्या किया ही ज एबल टू ऑक्यूपाई अ नंबर ऑफ फोर्ट्स इसने बहुत सारे फोर्ट्स जो है ऑक्यूपाई किए तो जो ये फोर्ट्स थे फोर्ट्स क्या होते थे फोर्ट्स एक ऐसी बिल्डिंग्स होती थी जो कि एक एम्पायर में बनाई जाती थी ऐसी बिल्डिंग्स होती थी जहां पे इट वाज यूज्ड टू प्रोटेक्ट किंगडम फ्रॉम देयर एनिमीज़ ये कहते थे काम कि वहां पे रखते थे आ, मतलब अपने आ, इनको ना आर्मी वार्मीज को अगर एनीमीज अटैक करते थे ये बहुत ही बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती थी जिस जो बचाती थी उस किंगडम को आर्मी से आ, ये एनिमी से फिर ये काम ये क्या होता था कि जो जनरली जो ये फोर्ट्स थे ये बिल्ट किए जाते थे ऑन हिल टॉप क्योंकि वहाँ से इनको क्लियरली नजर आता था अगर कोई भी एनिमी इनको आने वहाँ आने की कोशिश करता था तो दे देर गेटिंग वेर मतलब वो आराम से देख पाते थे कि को कोई इन्वेड uh, करने वाला है तो दे यूज टू प्रोटेक्ट देयर किंगडम इन द इन दैट वेरी पॉसिबल मोमेंट तो ड्यूरिंग सिक्सटीन हंड्रेड एंड फोर्टी फाइव टू सेवन फोटी सेवन सी ई शिवाजी जो है इसने कैप्चर किए फोर्ट्स एक तो तौरना में और पुरंदर में तो फिर इसने काम किया कि जो वहाँ के फोर्ट्स थे वहाँ पे जो इसने वेल्थ देखी फिर उसने उसी वेल्थ की मदद से एक नई नए फोर्ट बनाए जैसे कि राजगढ़ बनाया इसने या उसने दूसरा ही फोर्ट बनाया सिंधु सिंधु दुर्ग फोर्ट बनाया इसने सो so, फिर क्या काम हो गया 1659 हंड्रेड सी में द रूलर ऑफ़ बीजापुर जो है उसने आर्मी भेजी अंडर द लीडरशिप ऑफ अफजल खान वो उसने भेजा शिवाजी को डिफीट करने के लिए मगर शिवाजी जो है उसने क्या किया उसने अफजल खान को मारा विथ हिज ओन विथ ए वेपन अपने वेपन से जो कि बहुत ही शार्प आयरन नेल्स से बना हुआ था और उसने उसको उसी से मार डाला तो फिर जो उसके साथ उसकी आर्मी थी बीजापुर की आर्मी थी तो उसकी जो शिवाजी की जो आर्मी थी उसने उसको डिफीट कर लिया आराम से और हैंस जो उसने वहाँ पे भी क्या किया कर लिया कब्जा कर लिया नाउ कमिंग टू द सेकेंड वन दैट इज़ द शिवाजी एंड औरंगजेब वो शिवाजी और औरंगजेब जो है इनका क्या आपस में क्या रिलेशन था आपको पता ही है कि औरंगजेब जो था ही वॉज अ लास्ट कैन से लास्ट पावरफुल मुगल रूलर तो वो क्या कर शिवाजी क्या करना चाहते थे शिवाजी जो थे वो चाहते थे कि उसने तो अपनी एम्पायर बनाई थी अब जो औरंगजेब था वो चाहता था कि वो साउथ इंडिया को भी कंसडर करे वो वहाँ भी अपने मतलब वो अपने मुगल एम्पायर को बढ़ाना चाहता था तो फिर उसने क्या काम किया ही, उसने ये किया कि उसको ये रियलाइज़ हो गया औरंगजेब को कि अगर मुझे साउथ इंडिया चाहे तो मुझे शिवाजी को ज़रूर ही डिफ़ीट करना पड़ेगा सो वॉट डिड ही डू इन सिक्सटी थ्री सी ई में ही सेंट शाइस्ता खान वो वन ऑफ जनरल्स था तो उसने भेजा उसी को शाइस्ता खान को टू कैप्चर शिवाजी बट शिवाजी जो क्या शिवाजी ने किया कि उसने डिफ़ीट किया शाइस्ता खान को और उसने उसके बेटे को मार डाला तो औरंगजेब जो था उसको बहुत ही गुस्सा आया तो उसने आ, आ, तो बच्चों मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि शिवाजी जो है आपको पता ही कैसे उस आगरा फोर्ट से बाहर आए वॉट हाउ डिड ही मैनेज टू एस्केप तो उसने क्या किया कि जो ये है औरंगज़ेब वो हमेशा फ्रूट बास्केट्स बेचने लगा किन को ब्राह्मण्स को तो पहले पहले तो वो चेक करते थे उसमें क्या है क्या नहीं उसके जो वो थे आर्मी मैनस वो चेक करते थे मगर धीरे धीरे वो बहुत लेज़ी हो गए सो एक दिन उसने काम किया कि जो उसने नहीं उन्होंने नहीं चेक करने लगे तो शिवाजी ने यह नोटिस किया सो वॉट डिड ही डू वो बास्केट में ही चोरी रह गया और उसने वहाँ से ही वो निकल गया फोर्ट से बाहर तो सून शिवाजी जो है उसने क्या काम किया ही बिगेन टू ऑक्यूबाई द फोर्ट्स इन डेक्कन अगेन फिर से उसने स्टार्ट किया डेक्कन में फोर्ट्स को अपने अंडर लेना तो ही बिकेम द किंग ऑफ मराठाज इन 1674 हंड्रेड में वो मराठा का किंग बन गया एंड टुक द टाइटल ऑफ छत्रपति और उसको टाइटल दिया गया छत्रपति और इसका कैपिटल जो था वो था रायगढ़ रायगढ़ जो उसने अपना कैपिटल बनाया शिवाजी जो है ये बहुत ही ग्रेट सोल्जर थे और एक बहुत ही बहादुर और कामयाब रूलर रहे ही uh, क्योंकि वो एबल थे ही वॉज द रूलर जो एबल थे कि उनने मुगल एम्पायर मुगल जो इतनी uh, ताकतवर डाइनासिटी थी उसको चैलेंज किया उसने तो वो हमेशा अपनी पूरी ज़िंदगी इंडिपेंडेंट रूलर रहा और बाद में उसकी जो डेथ है वो हो गई सिक्सटीन हंड्रेड एंड एट्टी कॉमन एराम में सो दिस वॉज ऑल फॉर योर यू सिलेबस